अरे चाचा, ये वीडियो नहीं चलाना था, कोई अच्छा वीडियो चलाओ टैल्गो का। अबे चल, अपने बाप को मत दिखा, ट्रुथ इज बिटर। चल झूठा। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिश्ते के बारे में जिसकी एंगेजमेंट हुई पर शादी होते होते रह गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टेलगो की, जिसके सक्सेसफुल ट्रायल्स के बावजूद इसे इंडियन रेलवेज में कोई जगह नहीं मिली। क्या वंदे भारत एक्सप्रेस की वजह से टेलगो इंडियन रेलवेज टीम में अपनी जगह नहीं बना पाई? क्या टेलगो के सपने दिखाकर आप सबको बेवकूफ़ बनाया गया? क्या टेलगो अबे साले, तुझे किसने बोला अभी पीछे बोलने को? माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अबे साले, तेरे पास कोई और टॉपिक नहीं है? टेलगो ट्रेन कब आई थी, कब चली गई? तू वीडियो अभी बना रहा है? अम्मा, मैंने तो अभी चैनल स्टार्ट किया है ना, इस पे कॉन्ट्रोवर्सियल वीडियो बनाने को मजा आता है। वो कॉन्ट्रोवर्सी होती है। आज तो दोनों है शो पे, अम्मा भी और चाचा भी, बैंड बजने वाली है। खैर, आप लोग अपने स्क्रीन पे ध्यान लगाए रखिए। लेट्स डिरेल दी शो। फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला। देख तेरा रंग सांवला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू गरम मामला। एग्जिस्टिंग कोच है, जो मौजूदा जो कोच है वो हमारे साथ में नहीं चल सकते। हमको मालूम था, पहले भी मालूम था कि हमें उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, लेकिन कंसेप्ट प्रूविंग के लिए उसको ये समझा नहीं गया कि इसकी कोई ज़रूरी है कि वही तरह की कोच आए, तभी हम कंसेप्ट प्रूव कराएं। रेलवेज को पहले से पता था कि ट्रेन की हाइट कम है, इसकी सीटिंग अरेंजमेंट 4 गुना कम है एज कंपेयर टू इंडियन जनरल कोचेस, इसमें बोगी शेयरिंग कपलिंग है। इसका क्या मतलब होता है? इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा जब टेल्गो के फीचर्स को हम चेक करेंगे। अगर अभी देखना है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और टाइमलाइन पे क्लिक कीजिए। रेलवे के मुताबिक टेल्गो ट्रेन की फ्लोर हाइट काफी कम है, जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म पर चढ़ने उतरने में यात्रियों को दिक्कत होगी। इसके अलावा इस ट्रेन की लंबाई चौड़ाई दूसरी ट्रेनों से कम है, जिसकी वजह से इसको लेकर व्यवहारिक दिक्कत आ सकती है। फिलहाल टेल्गो ट्रेन में 9 डिब्बे हैं, जो किसी राजधानी एक्सप्रेस के 5 कोच के बराबर है। रेलवेज एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा मतलब बहुत बड़ा, तो इससे कोई गलती की उम्मीद नहीं की जा सकती, जहाँ पे इन्हें लाखों करोड़ों का नुकसान उठाना पड़े। टेल्गो को भारत लाना और इसके ट्रायल्स करना, वो भी 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, इसका मतलब है रेलवे सीरियस था टेल्गो को लेके। चाहे इसके लिए रेलवे को अलग ट्रैक या अलग प्लेटफॉर्म क्यों ना बनाना पड़े, स्पेन की कंपनी ने यहाँ तक कह दिया था कि हम टेल्गो के सीटिंग अरेंजमेंट्स में बदलाव करने को तैयार है। टेल्गो की बात करते हैं और जानते हैं कि क्यों थी ये भारतीय रेलवेज के लिए खास। इसका बोगी सिस्टम इसे सबसे अलग बनाता है। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो, लेफ्ट साइड में हमारे यहाँ का सिस्टम, जिसमें 8 पहिए एक ही कोच के नीचे 2 बोगी में लगते हैं, और राइट साइड में टेल्गो का सिस्टम, जहाँ पे 8 पहिए दो दो के हिसाब से 2 कोच को एक ही बोगी ज्वाइंट करता है। जैसे 2 पहिए एक कोच के स्टार्ट में और 2 पहिए दूसरे कोच के एंड में। बोगी का मतलब है पहियों का कॉन्फ़िगरेशन, ना कि कोच। इस सिस्टम से क्या होता है कि ट्रेन जब भी कर्व पे होती है तो वो अंदर की तरफ झुकती है, जिससे कि ट्रेन की गति में कोई कमी नहीं आती है और ट्रेन कर्व पे भी तेज़ी पकड़ सकती है बिना पैसेंजर्स को डिस्कम्फर्ट दिए। सिंपल सा फिजिक्स है, जब आप अपनी गाड़ी चलाते हो और कोई शार्प टर्न या सर्कुलर कर्व आता है तो आप अपनी गाड़ी स्लो कर लेते हो। अगर नहीं करोगे तो आपकी बॉडी गाड़ी के अगेंस्ट फेंकाई जाएगी, मेरा मतलब बाहर की तरफ। इट्स कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। व्हेन बॉडी इन सर्कुलर मोशन मूव विद द कॉन्सेंट्रेशन बट चेंजेस इट्स डायरेक्शन अकॉर्डिंगली। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जनता को टैल्गो का सपना दिखाकर आखिर तोड़ा क्यों रेल प्रशासन? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अरे मेरे बच्चे, आप तो बता दे रिजान। ठीक है अम्मा, जब स्पेन की कंपनी को कहा गया कि आप टेल्गो की टेक्नोलॉजी को शेयर कीजिए क्योंकि हम भारत में और टेल्गो बनाएंगे, पर स्पेन की कंपनी ने मना कर दिया। फिर रेलवे ने कहा कि आप भारत आइए, अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाइए।
क्योंकि हम भारत में और टेल्गो बनाएंगे। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बार बार उसे बाहर से इंपोर्ट करें। फिर भी स्पेन की कंपनी ने सामने से मना कर दिया। स्पेन चाहता था कि रेलवेज हर टेल्गो को इंपोर्ट करे, पर भारत में मेक इन इंडिया का दौर चल रहा था। रेलवेज को लगा कि अगर हम सारे ट्रेन सेट्स को बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ के प्रोडक्शन यूनिट्स पे ताला लग सकता है। ताला लगने की वजह से लाखों लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि हम खुद ही ऐसी ट्रेन्स बनाएं। और अच्छा हुआ टेल्गो नहीं आया, उसके वजह से हम लोगों ने वंदे भारत एक्सप्रेस बनाया, जिसे अब दुनिया एक्सपोर्ट करना चाहती है।